देखा बस उसको नहीं लाया कर सकते यार। चुप इधर आ, चलती हूँ मैं भी चूहों को पकड़ने। शर्म ना आई तुम्हें? शर्म नहीं आई? क्या कर रहे हो वे? आज है मेरा बर्थडे, गिफ्ट आए हैं बर्थडे बर्थडे। अब खोलते हैं ईशु दीदी का महा गिफ्ट। तो वसूर में घास कट्टी कर रहे हैं ताकि हम रात को आग जलाएं और खाना बनाएं उस पे। वसू इंस्टाग्राम पे बेदखल हो चुके हैं, अपने बिजनेस स्टार्ट किया। शटअप वसू, घास काट रहे हैं ताकि आग जलाएं और फिर खाना बनाएंगे रात को। यार घर पे चूल्हा खत्म हो चुका है। जिम वाले लोग कैसे काटते हैं? अच्छा लगी नहीं, लगी नहीं घंटे ना लगी नहीं। तेज मैं भी कर सकती हूँ, ठीक है? मैं बस स्लोली कर रही थी क्योंकि आई फाइंड पीस इन स्लोथ। स्लोथ आई फाइंड पीस इन स्लोई दस आई फाइंड पीस इन पता नहीं। काफी इतना रात का खाना बन जाएगा वसु? हाँ मतलब लग जा मच लेके छत पे गिराते हैं। नहीं नहीं, छत पे आग लग जाएगी तारों को, फिर पूरे घर की बिजली बीच पे रखेंगे ना बेवकूफ। नहीं नहीं मैं क्यों जाऊँ बिजली से माचिस लाने? आप जो मैं छोटी हूँ नहीं, आप छोटे हो। मैं लग रही है आज मेरा करके आई वर्कआउट, मैं क्या करूँ? हे राम, वीडियो मत बनाओ ईशु दीदी, बेइज्जती हो रही है। पॉटी करने तो मुझे पॉटी करने तो चैन से। देखना कंटेंट के लिए क्या क्या करते हैं। चुमको पॉटी नहीं आ रही, कॉन्स्टिपेशन हो गया बहुत ज्यादा। जोर लगा के हे निकल गया। तू तो साफ कर, पिछवाड़ा भी साफ किया तू कर दे चाट के। देखा नहीं वसु, फर्श कितना पिछवाड़ा साफ कर रहा था। चूंग की टट्टी देख रही हूँ मैं, अगर मेरे को ऐसी टट्टी आने लगे ना बता, मेरा आईबीएस सुमंतर हो जाए। इतनी शानदार टट्टी है ना, हेल्दी है, मेरा कुत्ता बहुत हेल्दी है। ब्लॉग में फिर क्या सब बोला करूँ, जो जिंदगी है वही जिंदगी की सच्चाई बता रही हूँ। मतलब कुत्तों की टट्टी देख के भी सड़ती हूँ ना, कि कुत्तों को कितनी शानदार टट्टी आती है। माए मेरे को कब अच्छी टट्टी आएगी यार? अगर चूमू वहाँ से नीचे गया ना, फिर चूमू को पकड़ना मुश्किल। देखा बस उसको नहीं लाया अगर छत पे यार। चूमू इधर आ, इधर आ लफंडर। तो यार चूमू ऊपर चला गया हाची के मल्ले पे, मेरे लेग मारी उनको, चला ही कुत्ता भाग गया। कंटेंट मिल गया, घर पे गेट लगा ले, कोई फायदा नहीं। वो वसु जा रही है, चलती हूँ मैं भी चूमू को पकड़ने। मिल गया, कहाँ से मिला वसु? घर चलने को बुलाते। अरे चूमू क्यों मांगता है यार तू? तूने ही सिखाया उसको रास्ता वाला उल्टा। वसु पानी देना इसको, कुत्ते को प्यास लगी है हमको भगा भगा के। मैं बताती हूँ आइडिया सुनो, जैसे हाल आपने एक हुडी ली और एक कलर्स का पैक लिया, ठीक है? तो तेरे को पता कि मैंने तेरे लिए हुडी और कलर लिए हैं? बड़ी नहीं, मैं बस आइडिया बता रही हूँ, आइडिया ठीक है आपकी लिए इजी कर रही हूँ यार, ठीक है? एक डब्बा लिया ना गत्ते का, उसके ना पहले हुडी डाली, ठीक है, सरफेस क्रिएट कर दिया, उसके ऊपर यहाँ पे ऐसे कलर्स रखे, यहाँ पे फ्लावर रख दिया, और जैसे ये होती ना, जैसे ये क्यूट क्यूट चीजें ऐसे छोटी मोटी रखते है ना, तो वसु मेरे को दे रही है छोटी मोटी कुछ चीजें अपने उसमें, और बहुत प्यारा बन जाता है वो। तो वसु मेरे को दे रही है अपने बर्थडे का आइडिया, कि कल इसका बर्थडे है तो मुझे क्या करना चाहिए। शर्म ना आई तुम्हें? कर रही हूँ मैं तो, आइडिया कुछ नहीं दे रही मैं, बस थोड़ा सा। शर्म नहीं आई? अरे ये सब क्या देखना पड़ रहा है, शुक्र है मैं कुत्ता हूँ। तो बस को पापा से 1000 रुपए मिले कल के लिए बर्थडे के लिए, तो मैं बोल रही हूँ मेरे को दे दे, अर्ली कुछ गिफ्ट लेके आऊंगी। दे देना बस ये ले, 500। नहीं मैं गिफ्ट भी चाहिए इधर को, ये थोड़ा बड़ा। तो वसु के बर्थडे के लिए मैं पेटी ढूंढ रही हूँ कोई, जिसमें मैं गिफ्ट बना के डालूंगी। ये कुक करके देख, इसका डब्बा बना के। ये बड़ा ठीक है, नाइस, ये अच्छा। ओए ये क्या कर रहे हो वे? तो वसु के बर्थडे के लिए फ्लावर इकट्ठे कर रही हूँ, गिफ्ट आई छोटा मोटा ले लिया, तो डब्बा बना के चिपका दूंगी उसको। एक्चुअली मैं इस जगह सनफ्लावर लेने आई थी, मैंने 2-3 साल पहले जब मैं पहला ब्लॉग बनाने आई थी तो मैंने ऊपर सनफ्लावर लगा देखा था, अब आई नहीं इसलिए अब ये लेके जा रही हूँ वापस। सनफ्लावर मिल जाता ना तो मजे आ जाते, बड़ा अच्छा गिफ्ट बनता। अब मैं आई हूँ विशाल मेगा मार्ट, कि यहाँ पे कुछ मिल जाए वसु के लिए, पर लास्ट टाइम भी कुछ नहीं मिला था तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो ये मैंने प्लेन टी शर्ट देखी है, मैं सोच रही हूँ ये ले लूँ और इस पर कुछ खुद से कलर करूंगी, पर फिर वो बहुत लंबा काम हो जाएगा यार। मेरे पास सिर्फ एक रात है, एक रात में क्या क्या बनाऊंगी सोच रही हूँ, रहने दूँ। एक वस्तु के लिए मैंने ये ले ली, मतलब वस्तु भी पहन लेगी मैं भी पहन लूंगी। घर आई और मुझे ये देखने को मिला कोको को सूली पे टांगा हुआ है। व्हाट इज दिस? मैंने नहीं किया। हे राम, जिंदगी पूरी खराब। कोई बात नहीं, तो बैटरी रेड हो गई थी तो मैं कुछ सामान लेके आई हूँ, दिखाती हूँ आपको। और वसु देखो, वसु थोड़ा सामान लेके आई है कि ईशु दीदी आप इससे डब्बा बनाना, जो आपको डब्बा बनाना है मेरे लिए। नहीं डब्बा नहीं, मतलब वैसे मतलब। हाँ हाँ ठीक है, अगर आपको कभी भी कुछ सवार कम पड़े तो ये लो कुछ सवार है मेरे पास, टेपे अच्छी अच्छी और रिबन और स्टिकर और ये ग्लू श्लू। थैंक्स। मतलब बंदा देखो, इसका बर्थडे कल है और इसको पता है कि इसके लिए कोई गिफ्ट बन रहा है, और सुबह से आइडिया दे रही है, सामान इकट्ठा करके दे रही है। ये लो गिफ्ट बना दो बस।
ये देखिए, मैं चाहती हूँ आपको कोई परेशानी ना आए। ठीक है, हेल्प करेगी थोड़ी गिफ्ट बनाने में अपने लिए? मैं कर देती हूँ वैसे, पर मेरा कल सुबह पेपर है, मुझे पढ़ना है अभी। ओके, तो मैंने लाया डब्बा, ये वसु के लिए ड्रेस लाया, ये अपने लिए ड्रेस लाया, ये टी शर्ट वसु के लिए लाई, सब भी मार्ट का सामान है, ये फ्लावर्स लाए, और ये कुछ छोटा मोटा सामान लाया। अरे याद है रात को क्या होने लगा यहाँ पे? ये बस ऐसे ही गिफ्ट बनाने लगी वसु दीदी के लिए। ये शुक्र है मैं कुत्ता हूँ। तो पिछले एक घंटे से लगी हूँ मैं, तब से बस ये एक डब्बा बनाया, कुछ खास नहीं है पर चलो यार, ओके ओके है, बहुत मेहनत करी यार, बहुत भूख लगी है यार, एक किंडर जॉय खा लेती हूँ वसु का। एक मछली निकली है बीच में से, अरे बहुत ठगते हैं यार किंडर जॉय वाले, कसम से इतना महंगा, जब ये डब्बा सूख जाएगा तो इसमें चीजें डालूंगी, अब दूसरी चीज बनाते हैं। तो मैंने फट्टा लिया था, इसमें दो सुराख कराए थे, इसका मैं कुछ बनाऊंगी, बना के दिखाती हूँ। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू, आप दिख नहीं रहे, इतनी लेट क्यों है? वो मैं गिफ्ट पर आ रहा था ना। कहा लेट है, 20 मिनट इतने लेट हूँ। आप 20 मिनट पहुंच जाते होते, ठीक है, घर वालों को 1 सेकंड लेट हो रहा चीज। हैप्पी बर्थडे बोल दो गाइस। तो 1.5 घंटा लगा मुझे ये बनाने में, मतलब एक्स्ट्रा 1.5 घंटा उसके बाद, मुझे लगा नहीं था ऐसा बनेगा, पर थोड़ा खिचड़ी है पर बहुत सुंदर आया, मेरे हिसाब से बहुत सुंदर है। ये सारी चीजें मैंने आज, मतलब ये सारी चीजें मैंने कल ही खरीदी थी और बनाते बनाते बन गया कुछ ना कुछ। ये फोटो सूखेंगे लास्ट में, तो ये इनको भी यहाँ पे साइड में डाल दूंगी। राम भोंको नहीं भोंको, अभी लोग चुम्मू भोंकने चला जाता है, लेकिन अभी ये बहुत थका हुआ है इसलिए सोच रहा है कि सो ही जाता हूँ, और मैं भी सोचती हूँ कि सो ही जाती हूँ, पर एक लास्ट गिफ्ट बनाना है अभी। खाश लगी है, इस पे बनाना है कुछ, सबसे मुश्किल मेरे को यही लग रहा है। तो यार इसको बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत खराब लिखा मैंने, अच्छा लिख सकती थी पर मैं बहुत थक गई, तो मैंने रड़फड़ कर लिया किसी तरह। बस यार बस होगी, मेरी सोने लगी मैं अब। जी तैयार हो गया ये भी, आई नो थोड़ा है नहीं बेकार लिखा पर चलो, थक गई बहुत, इसको छुपा देते हैं और सो जाते हैं, बहुत थक गई यार। टैलेंटेड तो मैं हूँ, खोल नहीं देना डब्बा। वाह वाह इतना सुंदर लिखा, बहुत खराब लिखा। ये सुराख कैसे की? करा के लाई थी पर खराब लिखा, बहुत बहुत सुंदर लिखा है, इतना सुंदर हैंडराइटिंग है तेरा, है खराब लिखे मम्मा, सामने दिख रहा है गंदा लिखा हुआ, टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है सारा, बड़ा प्यारा लिखा है। ये खोल के देखो बॉक्स, यार पैक किया है, तो शाम को दिखाएंगे, शाम को देखना, चल ठीक है, मैं भी सरप्राइज देखो, ढक दो ना इसको, ऐसे छुपा के रखो इसके साथ, ऐसे छुपाना था कि वसु को पता न चले। छोड़ो यार पता है उसको सब, आइडियाज दे देंगे मर गई, खुद ही आइडिया देती। आई लव यू सो मच, कैसे बताऊं कि हम आई लव यू, ये फूल फॉर यू। सरप्राइज काम रहा, तो वसु मैडम का पेपर कैंसिल हो गया, ये स्कूल से वापस आ गई, तो मेरा पेपर चल रहा था और हमारा पेपर 11 मई 12th में, तो हमारा 11th वाला डल गया था, 12th वालों को 11th वाला डल गया था, 11th वालों को 12th वाला डल गया था, तो ऐसे ऐसे हो गया था, फिर कंप्लेन हुई, फिर बोर्ड ने पेपर कैंसिल कर दिया। तो मैंने सोचा था कि पीछे से कोई डेकोरेट करूंगी, पर वसु तो आ गई, अब वसु कहती मेरे को बताओ मैं करके देती हूँ डेकोरेट। आपको दर्द है ना, आप कैसे करूँ मैं करती हूँ यार, बहुत ज्यादा पेट दर्द है, बताओ क्या करना है, मैं करूँ? रागू भैया की हेल्प ले लो, बैलून भर के देगी। हाँ तो तेरे को बैलून का कलर पता चल जाएगा ना, रहने दो आप खुद ही करो, रागू भैया को हेल्प लो। ये मेरा? हाँ सच्ची में? हाँ वाओ एस्थेटिक है ना, तभी ली वाली अच्छी है ना। हाँ मेरे को ज्यादा खुली बाजू नहीं पसंद, दिस इज परफेक्ट। नीचे क्या पहनूंगी इसके? पहन लेना कुछ पैंट। तो मैंने डेकोरेशन के लिए सामान मंगवाया था थोड़ा सा ही, ये पता नहीं एक ही पैक में सारा कुछ आया, तो हाँ ये करती हूँ कुछ यार। तो घर में सिर्फ एक ये वाली दीवार साफ है, तो इस साइड करेंगे छोटा सा, ऐसे क्यूट सा बनाएंगे कुछ। हेल्प करो यार,
यार मैंने वो ट्राई किया कि मैं कुछ अच्छा करूं, पर यार ये क्या किया मैंने, छोड़ो यार क्या कर सकते हैं, जो है सो है। आप क्या बनोगे बड़े होके? टीचर। कैसे? डॉक्टर बनोगे? बहुत सारी देखती हूँ। अच्छा अच्छा कौन सी क्लास में हो? फर्स्ट क्लास में हो? हाँ। क्या नाम है? हरविन कौर। हरविन कौर वस्तु की मैम आए हुए वस्तु का बर्थडे सेलिब्रेट करने, और मम्मा और मैम की फ्रेंडशिप हो चुकी है। हाय करो मैम। और ये वस्तु भी जा रही है अपनी डायरी से जा रही है। ना वस्तु को कहीं बाहर लेके गया कोई, ना मम्मा ने वस्तु को बाहर जाने दिया क्योंकि इसने फ्रॉक पहनी है, उसमें टांगे नंगी हैं, तो मम्मा ने बोला कि ऐसे बाहर नहीं जाना है। इतना तो कुछ दिख नहीं रहा, पर चलो फिर मम्मा की सोच थोड़ी तो इसलिए बेचारी वस्तु अपनी डायरी से जा रही है बर्थडे के दिन। एंड आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद व्हाट आई हैव डन, क्योंकि मतलब छोड़ो यार, आज है मेरा बर्थडे, गिफ्ट आए हैं बड़े, आज मेरा बर्थडे, गिफ्ट आए हैं बड़े, चलो गिफ्ट देखते हैं बड़े। हमारे पास चेयर नहीं है, आपको नीचे बैठना पड़ेगा। ऑडियंस क्यों नहीं है चेयर? नीचे बैठेंगे ना यार, मस्त नहीं लाया, गिफ्ट क्यों नहीं लाया? बोल, बर्थडे पार्टी में गिफ्ट नहीं लाया? दीदी ऐसे नहीं बोलो, बोल ना आगे कुछ बोल तो सही, बोल आ जा। करूँ ओपन? यस करूँ। पक्का? पक्का। डर लग रहा? नहीं डर क्यों, वो इतना कुछ वो सो ओवर एक्टिंग क्यों कर रही है यार, मारूंगी मैं, बहुत ज्यादा अच्छा अभी कुछ भी। दीदी क्या बात है यार, क्या बात, वसु रहने दे यार, रहने दे दीदी यार, अब मैं मारूंगी जिर में आके। यार सबसे बेकार ये बना यार, कितना प्यारा, पागल हो? अच्छा पर्पल एस्थेटिक है उसकी, ये तो मैं देखा नहीं, क्या नहीं देखा, देखने लायक आई भी नहीं है। नहीं बहुत प्यारा, थोड़ा सा वहां से थोड़ा पूरा ही पूरा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं ना, कील कौन ठोकेगा, जल्दी से मेरा फोटो खींचो इसके साथ, शीज लीगल के साथ। बैकग्राउंड म्यूजिक भी दिया जा रहा है, परफेक्ट बैकग्राउंड म्यूजिक। लो जी हार भी बन गया, वस्तु बर्थडे में अकेली बैठी हुई है, बाकी सारे हार बैठे हैं। तेजस इतना डर क्यों रहा है? पूरा ले ले, खा, हैंडी वॉश करा देने, वॉश करा देने। वसु बड़े छोटे छोटे दोस्त बनाए तूने? सिस्टम है मेरा। वसु के दोस्त हर एज के, मैम उसके बाद इसकी दोस्त, उसके बाद ये टिंगू मिंगू। वसु क्या खाऊ खा लगी हुई है खुद? हाय देखना कितनी भूखी है, उसका बर्थडे है ना भाई, हाय बर्थडे है तो पूरा केक खाएगी। जब वो बेटा का बच्चा आएगा तो बचेगा तो हम खाएंगे। वसु बस कर ना यार, ना पेड़ यार, खाओ पियो ऐसी करो मित्र। अब खोलते हैं ईशु दीदी का महा गिफ्ट। ऐसे जुगाड़ू करा है वसु यार। यार चुप यार दीदी, बहुत मार खाओगे यार। हैप्पी 18th बर्थडे। ये क्या जी? ये ऐसे टाइम नोट करने वाला स्क्रंचीज़ का मुझे पता था। ये किंडर पे वो किसका फोटो है? तरह देखने तो दो बच्चों मेरे को, सु मेरा ये क्या किंडर पे? हाँ हाँ किंडर जॉय। ये मेरा चुप कर गए मेरा क्या बात है यार, क्या बात है यार। ये कहाँ से लिया ईशु? मम्मा सामान का ठग गया दुकान। ओह माय गुडनेस ये कितनी कूल है, ये सबसे बड़ा है। और देखना फ्लोर ले बच्चे, फ्लोर रहे सबसे ज्यादा फनी पार्ट ये है, वो जो अपनी वो सोच रही हमारे लिए भी हाँ। अरे ये रिबन नहीं था, टेप थी थर्ड ना। अरे चिपके हुए, ओके यार मेरे यार, पता है आपको क्या करना था इसका, वो जो डब्बा पड़ा ना उसमें ऐसे चिपकाना था, फिर वैसे खोलती फिर ऐसे सारे निकलते। कौन सा डब्बा? मैं बताऊंगी बाद में यार। राघु तूने और कुछ खाना है? जल्दी घर आपने नाइस, ये नीचे टाइट पूरा दाज लिए हैं। आऊंगी तुझे नाइस, थैंक यू फॉर द टी शर्ट ईशु दीदी, मैं पहनूंगी डेली में, ठीक है? पूरी आर्टिस्ट वाली टी शर्ट लग रही है ना, आर्टिस्ट वाइब्स। बर्थडे तो सिर्फ एक बहाना था, वसु को तो खान पान करना था। तो अभी मैं कर रही हूँ डिनर, मक्की की रोटी, काले चने और आलू। और वसु गई अपनी मैम के साथ लॉन्ग ड्राइव पे, और मेरे को पेट दर्द था इसलिए मैं नहीं गई। तो आई थिंक ये व्लॉग बहुत छोटा बना है, पर चलो एडजस्ट कर लूँ।
Thank you.